केईएम अस्पताल में मरीजों की रिपोर्ट के फोल्डर से बनी पेपर प्लेट का वीडियो वायरल, 6 कर्मचारियों को नोटिस। इंटरनेट मीडिया पर मुंबई के किंग एडवर्ड मेमोरियल अस्पताल का वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो में अस्पताल के मरीजों की रिपोर्ट के फोल्डर से बनी पेपर प्लेट दिख रही है। वीडियो वायरल होने के बाद अस्पताल प्रशासन ने 6 कर्मचारियों को कारण बताओ नोटिस जारी किया है। पेपर प्लेट में मरीजों के नाम भी लिखे हैं। पूर्व मेयर किशोरी पेडनेकर ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर मामले को उजागर किया। उन्होंने अस्पताल मरीजों और चिकित्सा प्रक्रियाओं के उल्लेख वाले कागज की प्लेटों का एक वीडियो साझा किया। किशोरी पेडनेकर ने अस्पताल प्रशासन पर घोर लापरवाही का आरोप लगाया है। उधर केईएम की डीन डॉक्टर संगीता रावत ने स्पष्ट किया कि ये प्लेटें मरीज की रिपोर्ट से नहीं बनाई गई थी। उन्होंने कहा कि ये सिटी स्कैन के पुराने फोल्डर हैं। इन्हें स्क्रैप डीलरों को दोबारा इस्तेमाल के लिए दिया गया था। गलती बस इतनी थी कि इन स्क्रैप पेपर को देने से पहले नष्ट नहीं किया गया था। उन्होंने कहा कि 6 कर्मचारियों को कारण बताओ नोटिस भेजा गया है। बीएमसी ने घटना की जांच के लिए डिप्टी कमिश्नर पब्लिक हेल्थ की अगुवाई में एक सदस्यीय समिति गठित की है। नागरिक प्रशासन ने अस्पताल के डीन से भी स्पष्टीकरण मांगा है। बीएमसी ने कहा कि मरीजों को आमतौर पर सिटी स्कैन एमआरआई और एक्स रिपोर्ट पेपर फोल्डर में मिलती है। ये पुराने फोल्डर बाद में स्क्रैप वेंडर को दे दिए जाते हैं। हालांकि संबंधित फोल्डर को पेपर प्लेट में बदलने से पहले उनको टुकड़ों में नहीं बांटा गया था। स्क्रैप वेंडर को सौंपा गया काम ठीक से पूरा नहीं किया गया था। सभी दर्शकों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।